अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अतर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। लंबे कद के खिलाड़ी और छोटे कद के खिलाड़ी यानी इंग्लैंड के प्लेयर्स और श्रीलंका के प्लेयर्स आमने सामने थे। मैच जीता इंग्लैंड ने और मार्च कर गई सेमीफाइनल के लिए। श्रीलंका ने काफ़ी अच्छी फाइट की, स्टार्ट बड़ा अच्छा किया मैच का, लेकिन 141 रन बनाए जो कि इंग्लैंड के ओपनर्स ने आकर जो लाठी चार्ज की है, 50 रन कर दिए 5 ओवर में। सो ये मैच तो हो गया डिसाइड और पूल वन भी हो गया डिसाइड। पूल टू में इफ एंड बट्स के साथ चीज़ें हैं, कुछ उम्मीदें हैं पर वो होती नज़र नहीं आ रही पूरी, जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर आए और इंडिया भी फंसी हुई है, साउथ अफ्रीका भी फंसी हुई है। सो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इफ एंड बट्स पे नहीं जाएंगे, जो होगा वही कबूल होगा और वही उसी की बुनियाद पर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे बैटिंग की बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे और आदिल रशीद को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। एक विकेट ली उन्होंने 16 रन देकर, क्योंकि वो विकेट बड़ी कीमती थी। निशान का जिस अंदाज़ में खेल रहे थे वो बहुत शानदार अंदाज था और बड़े पावरफुल हिटिंग कर रहे थे। 5 छक्के मार दिए थे, 2 चौके थे उसमें उनके पास, 62 या 67 रन में। सो वो कीमती विकेट थी और उसकी वजह से जो ब्रेक लगा तो वो ब्रेक लग ही गया और इंग्लैंड ने जो एक्सेलरेट किया। सो कमाल के बैट्समैन ने, लंबे लंबे कद हैं, लॉन्ग लीवर्स से खेलते हैं। हेल्स की बात करें सो पूरे बॉडी का पूरे लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए हिट करते हैं और ऑन द अप बड़ा अच्छा मारते हैं। और बटलर की बात करें तो बटलर आपको पता है कि रिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग लीवर्स के साथ। श्रीलंका के बैट्समैन हो, निशान का हो या इंग्लैंड के बैट्समैन हो, एक चीज़ तो कॉमन है, उनकी बेस स्ट्रांग होती है, हेड स्टिल होता है और बैक लिफ्ट के बाद उनकी बैट स्विंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ रिस्क का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लॉन्ग ऑल बॉडी और लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इम्पैक्ट उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है और आपके आपका इम्पैक्ट अच्छा है तभी आप गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंक सकते हैं और मैक्सिमम रन बना सकते हैं और ऊंचे कद की वजह से ऑन द अप अच्छा खेल सकते हैं। और जहां कद अगर आपका छोटा हो तो फिर या तो फिर आप ऊपर से स्लैश मारने की कोशिश करें या पुल आपके बड़े कमाल के हों। सो वहां फंसते नज़र आए श्रीलंकन और ये एज इंग्लैंड को रहा और इंग्लैंड इस एज की वजह से और बाउंस बैक की वजह से और अपने मेंटल टफनेस की वजह से निकल गई आगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में थी। बैक पास्ट में भी कुछ अच्छी इंग्लैंड के स्टैट्स नज़र नहीं आ रहे थे, ऑल दो सिर्फ पाकिस्तान में एक सीरीज़ जीते थे। सो मज़ेदार होंगे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स भी और फाइनल्स भी, क्वार्टर फाइनल्स सेमीफाइनल्स मज़ेदार होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि जितनी क्रिकेट हो रही है वो बड़ी मज़ेदार हो रही है और जो भी टीम जीते तो सही ट्रू चैम्पियन हो। और लगता ही है कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, इंग्लैंड भी कुछ कर सकती है, इंडिया को देखते हैं कि इंडिया भी कर सकती है। चारों टीमें बड़ी अच्छी है, मज़ेदार मैचेस होंगे क्योंकि इंडिया भी के बैट्समैन कमाल हैं, बॉलिंग का फेवर एडवांटेज नहीं है। साउथ अफ्रीका का एडवांटेज है बाउंसी ट्रैक्स पर अच्छा खेलने का, लेकिन न्यूजीलैंड बड़े कमाल फ्लो में है। जो हो गया देखते हैं, वो हो चुका है, अब जो होने वाला है उसके इंतज़ार में और उसको देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।